जो अप्रोच थी गवर्नमेंट्स की टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वो अब रिस्ट्रिक्टिव नहीं रही नेचर में और इस लिबरल एटीट्यूड के साथ टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स था इंडिया का वो इंक्रीज हुआ सिग्निफिकेंटली और इस लिबरल एनवायरमेंट में जो गवर्नमेंट था उसने रियलाइज किया कि जो फेरा है उसके स्ट्रिक्ट प्रोविजन को रिमूव किया जाए और इस पीरियड में जो एक्सचेंज कंट्रोल्स थे उन्हें लिबरलाइज किया गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को एडॉप्ट किया गया और जो एक्सचेंज रेट सिस्टम था अब जो मार्केट फोर्सेस थी डिमांड एंड सप्लाई की वो फॉरेन एक्सचेंज को डिटरमाइन करती थी उसके एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती थी और जो रुपी था उसे फुली कन्वर्टेबल बना दिया गया इन ऑल फॉरन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन वेरियस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए period, जो था का वो सिग्निफिकेटली इंक्रीज हुआ देन नेक्स्ट इज इन ऑफ फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा जो फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है वो पास हुआ था इन दर नाइनटीन नाइनटी नाइन और वो इन्फोर्स हुआ था फ्रॉम जनवरी 2000 इस एक्ट ने रिप्लेस किया था फेरा को फेरा 1973 को फेमा 99 में जो वर्ड था मैनेजमेंट वो यूज किया गया इन प्लेस ऑफ रेगुलेशन तो जो वर्ड मैनेजमेंट है वो ज्यादा लिबरल है एज कंपेयर टू रेगुलेशन

पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी इंडियन रूपी का फॉर कैपिटल ट्रांजेक्शन और रिसेंटली डेलीब्रेशन चल रही हैं कि फुल कन्वर्टेबिलिटी की जाए इंडियन रुपी की फॉर कैपिटल ऑल्सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फॉरन एक्सचेंज रिस्क या जिसे हम फॉरिक्स रिस्क कहते हैं जो अनिसिपेटेड नेगेटिव चेंजेस होते हैं एक्सचेंज रेट में वो फॉरन एक्सचेंज रिस्क कहलाते हैं तो इसका मतलब है रिस्क ऑफ अनफेवरेबल चेंज इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू ड्यू टू चेंजेस इन करेंसी एक्सचेंज रेट उसे हम कहते हैं करेंसी रिस्क और एक्सचेंज रेट रिस्क ये इफेक्ट करता है उन पर्सन पर्सनस को जो इंगेज है फॉरेन ट्रेड में एंड आल्सो फॉरेन इन्वेस्टर्स को फॉर एग्जांपल अगर जो एक्सचेंज रेट है वो नेगेटिवली चेंज होता है तो जो वैल्यू है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वो कम हो जाएगी जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं वो डिक्लाइन करेंगे और जो इम्पोर्टर है उसे ज्यादा पे करना पड़ेगा इम्पोर्ट ऑर्डर के लिए जो उसने ऑलरेडी प्लेस कर रखा है अगर जो एक्सचेंज रेट है वो नेगेटिव हो जाता है बाय द टाइम जब उसे डिलीवरी मिलेगी इम्पोर्टेड गुड्स की तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं मल्टीनेशनल कंपनीज हैं फॉरेन ट्रेडर्स हैं वो एंगेज हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में तो वो सारे एक्सपोज हैं फ़ॉरेक्स रिस्क को जिनका सीरियस फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हो सकता है उनके फाइनेंस पे अगर उसे उन्होंने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रांजेक्शन इन फॉरेक्स मार्केट सबसे पहला है स्पॉट ट्रांजेक्शन स्पॉट ट्रांजेक्शन में आप परचेज और सेल करते हो फॉरेन एक्सचेंज को इमीडिएटली इमीडिएटली डिलीवरी और पेमेंट होती है या फिर ऑन द सेकेंड डे फॉलोइंग बिजनेस डे और शॉर्टेस्ट टाइम होता है ये फॉर एग्जीक्यूटिंग ट्रांजेक्शन और इसमें कैश पेमेंट होती है डायरेक्ट एक्सचेंज होता है करेंसीज का और कोई भी इसमें इंटरेस्ट ऑन एग्रेड प्राइस कि जो चीज है टर्म है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है जो सेगमेंट है फॉरेक्स मार्केट का जहां पर स्पॉट ट्रांजेक्शन होती है उसे फॉरेक्स स्पॉट मार्केट कहते हैं या फिर करंट फॉरेक्स मार्केट कहते हैं जो रेट ऑफ एक्सचेंज है स्पॉट मार्केट में उसे स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर करंट मार्केट रेट कहा जाता है नेक्स्ट इज फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में डिलीवरी फ्यूचर में होती है ऑन अ स्पेसिफाइड डेट ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वन करेंसी फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अनादर करेंसी और इस डेट और जो ये अमाउंट है वो डिसाइड हो जाती है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो पेमेंट है डिलीवरी है वो इमीडिएटली नहीं होती बट एट अ स्पेसिफिक स्पेसिफाइड डेट होती है जो डेट है वो कितने भी टाइम की हो सकती है एक दो तीन छः महीने की हो सकती है और जो गैप है वो फ्यू डेज का भी हो सकता है और इन ट्रांजेक्शन में जो अमाउंट है वैल्यू है डेट है डेट सेटलमेंट की डेट एग्रीमेंट के पेमेंट प्रोसीजर है एक्सचेंज रेट है वो पहले से ही आप एडवांस में डिटरमिन कर लेते हो लेकिन जो एक्चुअल डिलीवरी है करेंसी की और मनी की वो सेटलमेंट डेट पर होती है तो जो ट्रांजेक्शन है वो सेटलमेंट डेट पर होगी एट एग्रीड प्राइस Of की price उस डेट को क्या चल रहा है और ये कॉमन मेथड है फॉरेक्स मार्केट का, का जहाँ पर फॉरवर्ड एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होती है उसे हम फॉरेक्स फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं दे नेक्स्ट इज करेंसी ऑप्शन या फॉरेन एक्सचेंज ऑप्शन इसे हम एफेक्स ऑप्शन भी कहते हैं और इस ट्रांजेक्शन में जो होल्डर है ऑप्शन का जो ऑनर है उसके पास राइट right होती है ऑब्लिगेशन कंपल्शन नहीं होती है उसके पास राइट right होती है टू बाय और सेल द करेंसी एट एन एग्रेड प्राइस डिपेंडिंग अपॉन दी एक्सचेंज रेट क्या है फ्यूचर डेट को जो ऑप्शन का होल्डर है वो डिसाइड करेगा कि उसे वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है अगर राइट टू बाय उसने परचेज की है तो वो कॉल ऑप्शन है अगर राइट टू सेल है उसके पास तो वो पुट ऑप्शन है और इसके लिए वो ऑप्शन प्रीमियम पे करता है ऑप्शन प्रीमियम का होता है वो अमाउंट मतलब होता है वो अमाउंट जो ऑप्शन बायर पे कर रहा है ऑप्शन सेलर को और उसका जो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है जितना उसने ऑप्शन प्रीमियम पे किया है सिर्फ वही उसका मैक्सिमम लॉस हो सकता है इन केस अगर वो जो अपना ऑप्शन राइट right है उसे एक्सरसाइज नहीं करता है the next is swap. ये फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज पर वो एक्सचेंज करती हैं टू डिफरेंट करेंसीज को एट द स्पॉट रेट और आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉरेन करेंसीज को वो री कर लेती है मतलब जो ट्रांजैक्शन हुई थी पहले उसको रिवर्स कर देती है लेकिन एट अ प्रीडिड रेट स्वैप ट्रांजेक्शन में जो दोनों पार्टीज हैं उनके पास एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन वापस वही ओरिजिनल करेंसीज आ जाती हैं जो उनके पास स्टार्टिंग में थी तो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में दो ट्रांजेक्शन होती है जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन होती है वो स्पॉट मार्केट प्राइस पर होती है और जो सेकेंड ट्रांजेक्शन होती है वो एक तरीके का फॉरवर्ड एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है लेकिन जो दोनों ट्रांजेक्शन है उनका उनको मिला के एक सिंगल ट्रांजेक्शन काउंट किया जाता है तो जो डिफरेंस है दो एक्सचेंज रेट्स के बीच का दैट इज एक तो स्पॉट रेट का और दूसरा फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का उसे हम स्वाप प्राइस कहते हैं मतलब प्राइस फॉर अवॉइडिंग एक्सचेंज रेट रिस्क द नेक्स्ट इज करेंसी फ्यूचर ट्रांजेक्शन स्टैंडर्डाइज फॉर्म है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये एक तरीके का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ही है लेकिन ज्यादा लिक्विड होता है और ये ट्रेड किया जाता है ऑर्गेनाइज्ड फॉरेक्स मार्केट में ये एक एग्रीमेंट है टू बाय और सेलर डेजिग्नेटेड करेंसी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्राइस डिटर्मिड बाय बायर्स एंड सेलर्स ऑफ फॉरेन करेंसी स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंजॉय करता है लीवरेज दैट इज कि इसमें आप एंटर कर सकते हो थ्रू स्मॉल अमाउंट ऑफ इनिशियल मनी जिसे आप मार्जिन मनी कहते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मार्जिन जो हायर अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी है उसे आप परचेज और सेल कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन बिजनेस यूनिट है अगर उसे अमेरिकन डॉलर चाहिए फॉर पेमेंट ऑन अ फ्यूचर डेट लेकिन जो बिजनेस है वो एक्सपेक्ट कर रहा है एप्रिशिएशन अमेरिकन डॉलर में इन टर्म्स ऑफ इंडियन रूपी तो जो बिजनेस यूनिट है वो एंटर कर सकती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में टू बाय अमेरिकन डॉलर टू हेज दी पॉसिबल लॉस केस अगर अमेरिकन डॉलर एप्रिशिएट होता है तो तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट से जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो उसमें जो बायर और सेलर होता है फॉरेन करेंसी का वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड फॉर फॉरेक्स मार्केट के साथ होता है मतलब कि जो दो पार्टीज होती हैं वो फॉरेन करेंसी का बायर या सेलर होगा एक पार्टी और जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड फॉरेक्स मार्केट है वो दूसरी पार्टी होगी लेकिन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है दो पार्टीज के बीच में और जो एग्रीमेंट है वो सेल्फ रेगुलेटेड होता है तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो ज्यादा स्टैंडर्डाइज होता है ज्यादा लिक्विड होता है देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सेटल्ड होते हैं ऑन अ फिक्स डेट जबकि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो सेटल्ड होते हैं ऑन डेली बेसिस द नेक्स्ट इज स्टॉप लॉस जो रिस्क मैनेजमेंट डिसीजंस हैं वो बेस्ड होते हैं फोरकास्ट पे जो फॉरेक्स मार्केट है वो हाईली वोलेटाइल और अनप्रेडिक्टेबल है जब एक बिजनेस यूनिट एंटर करती है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में तो अपने अमाउंट ऑफ लॉस को लिमिट करने के लिए वो स्टॉप लॉस की अरेंजमेंट को यूज करती है इन केस ऑफ अनफेबरेबल मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट तो जो लॉस है बिजनेस यूनिट का वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है टू दी रेट्स एट स्टॉप लॉस लेवल अगर जो मूवमेंट है एक्सचेंज रेट की वो अनफेवरेबल है तो जो भी फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है वो इमीडिएटली जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसल्ड हो जाता है अगर जो एक्सचेंज रेट है वो स्टॉप लॉस लेवल पर पहुंच गया है इन अ फास्ट मूविंग वॉलोटाइल मार्केट जो फॉरेक्स रिस्क है वो ज्यादा होता है तो उस केस में ह्यूज आपको हो सकते हैं तो उस केस में लिमिट करने के लिए क्वांटम ऑफ लॉस को आप स्टॉप लॉस का जो क्लॉस है वो अपने फ्यूचर या फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में इनकॉपरेट कर सकते हैं तो ये था हमारा लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्सटीन फॉरन एक्सचेंज मार्केट इसके साथ जो आपका सिलेबस है बिजनेस एनवायरमेंट का वो कंप्लीट होता है थैंक यू सो मच